कंकाल का रहस्य। चौरा गांव के खेतों में इन दिनों खुदाई का काम चल रहा था। असल में इसी गांव से होकर एक अच्छी सड़क गुजरनी थी, इसलिए यहां खुदाई शुरू की गई थी। अचानक एक दिन खुदाई करने वाली मशीन से कुछ टकराता है। बाद में जब खोजबीन की जाती है तो वहां से दो कंकाल मिलते हैं। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। आप लोगों को क्या लगता है, ये किसके कंकाल हो सकते हैं? अरे साहब, हमें क्या पता ये किसके कंकाल है, आप ही लोग पता लगाइए, हम लोग तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हाँ हाँ, हमारी फॉरेंसिक टीम अभी आ रही है। ये बताओ कि इस गांव के रहने वाला कोई जोड़ा गायब तो नहीं ना? क्योंकि शुरुआती जांच में तो ये बात सामने आ रही है कि एक कंकाल किसी पुरुष का है तो एक किसी महिला का। साहब, हमें तो बहुत डर लग रहा है, ऐसे कंकाल मिलने का मतलब गांव के आसपास ही किसी की हत्या हुई है या फिर किसी को जलाकर मार डाला गया है। हाँ साहब, हम अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। देखिए, आप लोगों की परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पुलिस का सहयोग करना होगा, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ये किसके कंकाल है और इनकी हत्या किसने की। ठीक है साहब, गांव के लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। हाँ साहब, पूरा सहयोग करेंगे। तो फिर ठीक है, हम अपनी जांच शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद जांच रिपोर्ट आ जाती है। पता चलता है कि ये कंकाल करीब 20 साल पुराने हैं, यानी 20 साल पहले किसी जोड़े की हत्या कर शव को यहाँ पर दबा दिया गया था। इंस्पेक्टर राघव, ये बताओ कि 20 साल पहले की मर्डर मिस्ट्री क्या आप सुलझ सकती है? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, लेकिन अब सबूत और गवाह काफी मिट गए होंगे। मुश्किल तो होगी, लेकिन शायद किसी परिवार को इंसाफ मिल सके। इंस्पेक्टर राघव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी परिवार को तो इंसाफ मिलेगा ही और किसी को उसके किए की सजा भी मिलेगी। जी सर, मैंने तो जांच शुरू भी कर दी है। 20 साल पहले इस गांव के दो जोड़े अचानक कहीं गायब हो गए थे। मैंने दोनों ही परिवारों के बाकी के सदस्यों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे शहर गए थे लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन ये दोनों शव किस परिवार के सदस्यों के हैं, ये कैसे पता चल सकेगा? सर, मैंने DNA टेस्ट करवा लिया है, आज शाम तक इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसी शाम को सर, DNA रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही लाशें चौरा गांव के रहने वाले प्रधान सुल्तान सिंह के बेटे और बहू की है। लेकिन इनकी हत्याएं किसने की है, ये कैसे पता लगेगा? इसी का तो पता लगाने की कोशिश में जुटा हूँ सर, आज सुल्तान सिंह से मिलने भी जा रहा हूँ। मेरा बेटा और बहू तो मेरे लिए सिर्फ यादों में ही रह गए थे, हमें उनकी लाशें तक नहीं मिल सकी थी। आज 20 साल बाद उनके कंकाल मिले हैं, मैं अब किसके लिए जीऊं? लेकिन सर, क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? अपने बेटे बहू की हत्या के लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? अब मैं किसका नाम बोलूं, मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, बस मेरे बेटे बहू को कोई वापस ला पाता। इसके बाद सुल्तान सिंह फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। सर, अब आप इनका अंतिम संस्कार करवा सकते हैं, कम से कम इनका शरीर ना सही, इनका कंकाल तो आपको मिला है, लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ भी याद आए तो जरूर बताइएगा। मेरे तो बेटा अब उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बेटे और बहू के हथियारों का जरूर पता लगाइएगा, क्योंकि जब तक हथियारे पकड़े नहीं जाएंगे मेरा मन नहीं मानेगा। सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हत्यारे को पकड़ने की, लेकिन एक बात बताइए,
उस वक्त आपको किस पर शक गया था? उस वक्त मेरे एक ड्राइवर को पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था। अच्छा, और ड्राइवर पर कैसे शक हुआ था? क्योंकि उस दिन ड्राइवर छुट्टी पर था। उस समय लेकिन लाश क्यों नहीं मिल सकी थी? उस वक्त पुलिस ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन दोनों की डेड बॉडी नहीं मिल सकी थी। ठीक है ठीक है, हमारी तफ्तीश चल रही है, मैं फिर आऊंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और सुल्तान सिंह अपने बेटे और बहू की याद में खो जाते हैं। कुछ दिन बाद, सुल्तान सर एक बात बताइए, जब आपके बेटे बहू की हत्या हुई थी, उसी के आसपास आपके ही गांव का रहने वाला एक और जोड़ा उसी वक्त गायब हो गया था ना? और सर, अलका और अभिषेक, वो भी मेरे बच्चों जैसे ही थे। तो फिर वो कहाँ है? उनका भी आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन बताते हैं कि कुछ साल पहले अभिषेक को गांव के ही किसी आदमी ने मुंबई में देखा था, लेकिन फिर वो गायब हो गया। यानी अभिषेक और अलका की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने किसी वजह से खुद ही गांव छोड़ दिया था। हाँ हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभिषेक मेरे बेटे संतोष का अच्छा दोस्त था और उसका मेरे घर भी आना जाना लगा रहता था। हो सकता है कि उसने मेरे बेटे और बहू के बारे में सुन लिया हो और ये गांव छोड़ दिया हो। हो सकता है। उनके परिवार का कोई अब नहीं रहता क्या इस गांव में? अब तो कोई नहीं रहता। एक चाचा थे, लेकिन उन्होंने भी अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया है। वो भी अब कहीं शहर में ही बस गए हैं। ओह, अभिषेक और अलका के बारे में भी पता लगाना होगा। हो सकता है कि वही इस हत्या के बारे में कुछ बता सके। हो तो सकता है, लेकिन वो बेचारे तो खुद ही वक्त के मारे थे, वो क्या बताएंगे। फिर भी सर, जब केस दोबारा खुला है तो जांच तो करनी ही पड़ेगी, और इस बार तो लाशें भी बरामद हुई है। कुछ दिन तक लगातार तफ्तीश चलती रही। एक दिन थाने से सुल्तान सिंह को फोन आता है। हाँ, कौन बोल रहा है? सर, मैं कांस्टेबल तुलाराम बोल रहा हूँ थाने से। आपको थाने आना पड़ेगा। थाने? लेकिन क्यों? सर, किसी की पहचान करवानी है। अच्छा ठीक है, मैं दोपहर तक पहुँचता हूँ। सुल्तान सिंह दोपहर में थाने पहुँचता है। कई पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं। सर, आपके बेटे की हत्या का रहस्य आज शायद सुलझ जाए। अच्छा इंस्पेक्टर राघव, पर वो कैसे? सर, उस आदमी को देखिए, क्या वही अभिषेक है? सुल्तान सिंह की आंखों में हैरानी से आंसू आ जाते हैं। हाँ सर, यही अभिषेक है। ये आपको कहाँ से मिला? सिर्फ अभिषेक ही नहीं, बल्कि इसकी पत्नी अलका भी इसके साथ है। मैडम, जरा अभिषेक की पत्नी को लाइए। जैसे ही अलका को पेश किया जाता है, सुल्तान सिंह जमीन पर गिर जाते हैं। सुल्तान सर, क्या हुआ आपको? आप अलका को देखकर गिर क्यों गए? सुल्तान सिंह सर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये अलका नहीं, बल्कि ये तो मेरी बहू रितु है। पूरा थाना एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। क्या? इसके बाद हर किसी को दो कंकाल और हत्या का रहस्य समझ में आ गया। अभिषेक और रितु ने मिलकर संतोष और अलका की हत्या की थी और लाश को जमीन के नीचे दबा दिया था। आज 20 साल बाद इस हत्या का रहस्य खुल सका था कि अवैध प्रेम संबंध में दो मासूमों की जान गई थी।